आज बात करते हैं निजी के बारे में। दोनों ने अभी अपने इंटरव्यू में शॉर्ट्स लिए एमिवे और डिवाइन पे। वो बोलते हैं इंडिया में सारी फेक बीफ हुई है अभी तक, एंड उनका कहना है कि कुछ रैपर्स तो डिस में गालियां देते हैं एक दूसरे को, एंड फिर वही रैपर लाइव आकर हंसते हैं। बाकी और क्या बोले इसके बारे में आप खुद देख लो। तो सीरियस बीफ अभी तक इन लोग क्या कर रहे हैं, बीफ करके एक दूसरे से हंस रहे, बातचीत कर रहे, भाई ये सब क्या शॉर्ट है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है बीफ करने के बाद तुम अगर ऑनलाइन आके हंस दे रहे हो एक दूसरे के साथ, तो ये सब बहुत बहुत ज्यादा स्टेज वाला शॉट बिग बॉस टाइप चल रहा है। हां, ये दिस इज नॉट गैंगस्टर रैप ब्रो, ये थोड़ी ना बीफ होता है, ये थोड़ी ना डिस होता है। डिस कल्चर कुछ अलग होता है भाई, बीफ बोले तो रियल बीफ खतरनाक वाला, के मतलब देखो ढूंढ के उठाना है, देखो तेरे साथ टपली वाला शॉट है। इंडिया में वैसा माहौल नहीं बने इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अगर बार्स है तो कॉम्पिटेटिव बार्स है, एक फेयर गेम प्ले करो, एकदम नीचता पे मत उतर जाओ, और गंदगी गाली गलौज और मां बहनों पे जाना ये सब बहुत फुलिश है, ये सब के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, ये सब बचकाना पन है भाई, नाम खराब करे बंबई का या इंडिया का इन लोग। तो अभी तो रुक गया। एंड निजी ने एक जगह इंडियन बीफ को बाहर की बीफ से कंपेयर करते हुए बोला है कि बाहर वाले रैपर्स गानों में गालियां नहीं देते एक दूसरे को, वो सीधा घर में घुसते हैं, एंड उस तरह की बीफ अभी इंडिया में नहीं आई है। तो अभी सीरियस बीफ का एरा शुरू नहीं हुआ है भाई, वो बहुत डेंजर एरा रहेगा, अभी अभी तक सब स्टेज हुआ है जो भी हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है शायद क्योंकि अपन तो पब्लिक को उठा ले भाई, उन लोग का लोकेशन फाइंड आउट करके उन लोग का सर्वर हैक कर देवे अपने साथ कुछ शॉर्ट हुए तो। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस पे कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।